अब्दुल रहमान नामी एक शख्स सामर्रा में आया दूर का सफर इख्तियार करके। अब मैं इलाकों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन दूर का सफर इख्तियार करके आया। आने के बाद उसे बादशाह से, दरअसल बादशाह से काम था और कोई मुश्किल थी। अब बयान मुख्तलिफ एतबार से किया जाता है, कोई खास मुश्किल बयान की जाती है या यह कहा जाता है कि कोई माली मुश्किल थी या कोई और मुश्किल। आया है और अभी बादशाह के दरबार में जाने वाला था, बाहर खड़ा था, तो उसने वहां पर यह बातें सुनना शुरू की कि जो उस वक्त फ्लोट करने लगी कि एक सैयद, एक अलवी, खानदान रिसालत माम से ताल्लुक रखने वाले एक सैयद के, जिन्हें बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो रास्ते में है और वो पहुंचने वाले हैं। दसवें इमाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम पहुंचने वाले। इसने आगे बढ़कर कहा, पूछा वो कौन है। रिवायत यह बयान करती है कि इमाम का नाम लेकर, जो अफराद आपस में बात कर रहे थे, इमाम का नाम लेकर कहा कि अली इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। आगे बढ़कर पूछा ये कौन है, कहा ये अलवी है, ये सैयद है, सादात में से। कहा अच्छा, सोचा कि जरा देर, कुछ देर रुक जाऊं और देखूं कि ये कौन आ रहा है, क्योंकि बातें ये हो रही थी कि उन्हें बादशाह ने बुलाया और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद आज इनके साथ कुछ भी वाकया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन मुमकिन है कि शायद कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। अच्छा, अब वो वहां पर खड़ा हो गया। अब एक सवाल पैदा हो गया कि अब होने क्या वाला है, कौन आ रहा है, ये सारा माजरा क्या है। रुक गया, ठहर गया वो सारा माजरा सिनेरियो देखने के लिए। इतने में इमाम अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, उसकी निगाहें इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे अकदस पर पड़ी। वो बयान करता है, वो बयान करता है अब्दुल रहमान नामी ये शख्स, कि जैसे ही मेरी निगाह उस सैयद अलवी पर पड़ी, कद वकआ हुब्बहु फी कल्बी, कि उनकी मोहब्बत ने मेरे दिल में जड़ पकड़ ली। जैसे ही मेरी निगाह दसवें इमाम पर पड़ी, उनकी मोहब्बत ने मेरे दिल में जड़ पकड़ ली। और उसके बाद बेसाख्ता मेरे दिल से यह दुआ निकली, दिल के अंदर में, अब ये सारे ख्यालात हैं, ये मेरी इंटेंशंस हैं जो मैं अपने ही तई सोच रहा हूं, बारे इलाह ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो फोरकास्ट की जा रही है कि शायद इन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ए खुदा तू इस शख्स को किसी भी मुश्किल, किसी भी नुकसान से महफूज रखना। अब ये इसके दिल में बात आई, दिल में बात क्यों आई, क्योंकि जैसे इमाम के चेहरे की तरफ निगाह पड़ी, कहता है कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत खर कर गई, उतर गई उनके, उनकी मोहब्बत उसके दिल में। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा, वकार और सकीनत के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ जानेब दरबार बढ़ रहे हैं। जैसे ही अब्दुल रहमान के करीब से गुजरे हैं, रुके, अब्दुल रहमान की जानेब चेहरा किया और उसके बाद नाम लेकर कहा कि ए अब्दुल रहमान, खुदा ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। ए अब्दुल रहमान, तूने हमारे लिए दुआ की, खुदा तेरी औलाद को कसीर करे, तेरे रिस्क में इजाफा करे, तुझे कसीर माल अता करे और तुझे लंबी उम्र अता करे। यह शख्स वाकया बयान करता है, 80 साल की उम्र है और कहता है कि मेरी 80 साल की उम्र हो गई, मुझे खुदा ने 12 या 14 बेटे अता किए, 1.5 लाख से ज्यादा दीनार मेरे घर में रकम मौजूद है और बेहिसाब जमीनें घर से बाहर हैं कि जो जिनका मैं मालिक हूं, और ये सब का सब मुझे मिला है अली इब्ने मोहम्मद नकी अल हादी के सदके में। दो मुख्तसर बातें, एक बात ये कि इमाम के लिए की जाने वाली दुआ करने वाले की जाने भी पलटती है, जो इमाम के हक में दुआ करेगा वो दुआ इमाम को लगेगी, मगर उससे पहले वो दुआ खुद पलटकर उसकी जानेब आ जाएगी। क्या किया था उसने, एक दुआ की थी इमाम के लिए, इमाम ने तीन तीन दुआएं उसके नाम की, कितना करम अहले बैत का। यानी कि आज अगर हम दुआए सलामती है इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तिलावत करते हैं,
तो ये बात याद रखिएगा कि इमाम की सलामती खुदा रखने ही वाला है। ये वो दुआ है कि जो मकबूल दुआ है, हमारे और आपके जमाने के इमाम को खुदा की जात है जो सलामत रखने वाली है। तो फिर इस दुआ का क्या काम? इस दुआ का यही काम है कि इमाम के नाम करो ये दुआ, वहां पर जाकर टकरा कर तुम्हारी ही तरफ पलट कराना है इस दुआ ने। नतीजतन तुम्हें खुदा सलामती अता करेगा, मगर फर्क है, एक फर्क है, फर्क। हम और आप सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं कितनी कसरत के साथ, हम दुरूद की तिलावत करके आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को हदिया करते हैं अनगिनत मरतबा। होता है या नहीं होता? ये तो वो हस्तियां हैं कि जो अता की पैकर हैं, ये कभी किसी से मांगा थोड़ी करती हैं, ये मोहताज तो नहीं है, ये तो वो है कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने अता के लिए भेजा है। लेकिन जो मालिक कुल भी हैं, कोई ऐसा जर्फ हो कि जो ऊपर तक भरा हुआ हो, आप उसमें ऊपर से कुछ उंडेल दीजिए तो क्या होगा? वो छलक जाएगा, वो जर्फ छलक जाएगा, मगर एक फर्क होगा। जो अवराग फिजिक्स के स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पढ़ चुके होंगे, वो बात बहुत आसानी के साथ समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। पहले से पानी मौजूद है कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। गौर से सुनिएगा अजीजाने मोहतरम, गौर से सुनिएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये जितनी चीजें हैं, ये हम तक ना पहुंचती अगर सादिक़े आले मोहम्मद और बाकिरे उलूम नबीय्यीन अलैहिमुस्सलाम ना होते। वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से कंटेनर के अंदर मौजूद है, आपने नए मॉलिक्यूल जाने नया पानी उसके अंदर डाला तो क्या हुआ? बाहर तो गिरा, मगर जो नया पानी था उसे जगह दी गई उस कंटेनर में, और जो पहले से पानी अंदर था वो बाहर निकला है। इसके माना ये हुए कि आपने जो सूरह फातिहा, आपने जो दुआए सलामती है इमाम जमाना, आपने जो तस्बीह है जनाब सैयदा, आपने जो तस्बीह है सलावात हदिया की, आपने जो सूरह यासीन हदिया किया इमाम के नाम, वो इमाम ने अपने पास रख लिया, और जो इमाम के पास पहले से वो मौजूद था आपको हदिया कर दिया। ये फर्क है। वो इतने अजीम है कि हमारा पेश किया हुआ कैसा होगा, कैसा होगा, सोचिए कैसा होगा। कामिल तो नहीं होगा, कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अजीम है, रख लेते। वो कहते हैं अच्छा इसमें कुछ कमी बेशी, हम इसे कंप्लीट बना देंगे, कोई मसला नहीं, तुम ये रखो। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।